नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब्स एंड स्टडी पर। दोस्तों आज आपके लिए एक और नई वैकेंसी की अपडेट है साथियों। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन जरूर दबा दीजिए। साथियों आज जो वैकेंसी है वो है रेलवे वैकेंसी है, वेस्टर्न रेलवे की रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर रेलवे ने आवेदन मांगे हैं और साथियों जो आवेदन है वो है यहाँ पर आपके लिए जो NTPC ग्रेजुएट के है वो साथियों इसमें सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है। यहाँ पर साथियों इसमें क्या क्या एज क्राइटेरिया है और टोटल क्राइटेरिया है जो एलिजिबिलिटी वगैरह ये आपको पूर्ण जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो साथियों इसमें आपको बता देते हैं नोटिफिकेशन नंबर GDCE जो कि यहाँ पर NTPC ग्रेजुएट की लेवल की यहाँ पर रिक्रूटमेंट है और दोस्तों सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की रिक्रूटमेंट है और साथियों रेलवे की रिक्रूटमेंट जो कि ऑनलाइन यहाँ पर आवेदन किए जाएंगे और साथियों जो पोस्ट है यहाँ पर वो आपको अलग अलग वाइज बता देते हैं कैटेगरी वाइज। यहाँ पर टोटल आपको जनरल की जो पोस्ट है साथियों 51 पोस्ट है, SC की 14 पोस्ट है, ST की 10 पोस्ट है और OBC की यहाँ पर 24 पोस्ट है और यहाँ पर जो टोटल है वो 99 पोस्ट है। और यहाँ पर आपको जो सैलरी दी जाएगी वो दी जाएगी यहाँ पर लेवल 5 पर दी जाएगी और स्केल जो रहेगा वो 29,200 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। तो साथियों यदि आप ग्रेजुएट पास हैं तो यहाँ पर ज़रूर आवेदन कीजिएगा और साथियों जो इसकी अप्लाइंग जो डेट है वो डेट स्टार्ट होगी 16/9 को, 16 सितंबर को यहाँ पर ये डेट स्टार्ट होगी और साथियों जो क्लोजिंग डेट है वो है 15/10/2019, 15/10 इसकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म अप्लाई करने की, वो भी 6 बजे तक। तो साथियों जो फॉर्म अप्लाई करने की जो वेबसाइट है वो आपको ये वेबसाइट है और आप इस वेबसाइट पर विजिट करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इस वेबसाइट को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे यहाँ पर, तो आप वहाँ से विजिट करके भर सकते हैं फॉर्म। और साथियों और 16 तारीख को आपको एक वीडियो मिल जाएगा फॉर्म कैसे भरते हैं और इसका कैसे आवेदन करते हैं इस भर्ती का, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे आने वाले समय में आपको ये वीडियो भी मिल जाएगा कि कैसे इसका फॉर्म अप्लाई करना होगा। यहाँ नेक्स्ट साथियों यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर देख सकते हैं आप। मिनिमम इंसेंटियल जो क्वालिफिकेशन है वो है किसी भी यूनिवर्सिटी से 3 वर्ष की डिग्री होना ज़रूरी है और हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर आपको टाइपिंग आना ज़रूरी है, फुल टाइपिंग स्पीड यहाँ पर बता रखी है। और साथियों जो मेडिकल और साथ यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया है वो है 1/1/2020 तक जिनकी आयु 18 वर्ष हो रही है वही कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपको बता देते हैं साथियों अपर लिमिट जो कि जनरल की 2/1/1978 से ऊपर वाले अप्लाई कर सकते हैं, OBC के 2/1/1975 से ऊपर वाले अप्लाई कर सकते हैं और SC ST के 2/1/1973 से ऊपर वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो लोअर जो लिमिट है वो 1/1/2002 है और साथियों जो एज ग्रुप है वो 42 वर्ष है जनरल के लिए, 45 OBC और 47 है जो SC ST के लिए प्रावधान रखा गया है। तो साथियों इस प्रकार ये PDF है और सिलेबस जो आपको बता देते हैं साथियों जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में जो है ये पूरा सिलेबस आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। और साथियों नेक्स्ट है जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है और जनरल अवेयरनेस है जो कि हम इसमें करंट अफेयर्स है जो डालते रहते हैं वो आप यहाँ पर चैनल पर पढ़ सकते हैं साथियों। और जो रीजनिंग है रीजनिंग भी आएगी इसमें आपके लिए और जनरल अवेयरनेस, ये है जो 3 जो टॉपिक है ये मेन आएंगे। और उसके बाद जो आपको टाइपिंग टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट है जो ये आपको 25 वर्ड का होगा, पर मिनट 25 वर्ड लिखना ज़रूरी है इंग्लिश में और हिंदी में आपको 30 वर्ड पर मिनट लिखना ज़रूरी है। तो साथियों टाइपिंग स्पीड भी इतनी ज़्यादा नहीं है, यदि आप फॉर्म भरना चाहो तो फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन RRC रेलवे में होगा। तो इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक कॉल लेटर आ जाएगा आपको वेबसाइट पर, वहां से निकाल के आपको फॉर्म डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने होंगे। तो साथियों इस प्रकार जो है ये नोटिफिकेशन आपने रीड कर लिया है और साथियों इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया तो साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस नोटिफिकेशन का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप रीड कर सकते हैं। और साथियों नेक्स्ट जो है वीडियो बनाएंगे आपके लिए, 16 सितंबर को वीडियो अपलोड किया जाएगा इसका कैसे फॉर्म भरा जाएगा और इसमें क्या क्या कैसे अपलोड किया जाएगा डॉक्यूमेंट और फोटो साइन वगैरह,
तो साथियों चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए, और साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।